लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। पीएमएलए निर्णायक प्राधिकरण ने नेशनल हेराल्ड और उससे संबद्ध कंपनी की संपत्ति कुर्की के आदेश को बरकरार रखा है। पीएमएलए के तहत एक निर्णायक प्राधिकारी ने ईडी द्वारा कांग्रेस संचालित एसोसिएटेड जनरल्स लिमिटेड यानी AJL और यंग इंडिया की 751 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की कुर्की को बरकरार रखा। प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि ये शुद्ध रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। प्राधिकरण का मानना है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्ति और इक्विटी शेयर अपराध से अर्जित कमाई है और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित है। प्राधिकरण ने यह भी कहा कि प्राधिकरण के इस फैसले से सोनिया और राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जो इस मामले में जमानत पर बाहर हैं। कांग्रेस द्वारा संचालित AJL और YI ये साबित करने के लिए पीएमएलए की धारा 24 के तहत सबूत देने में विफल रहे कि अपराध से अर्जित कमाई नहीं हुई। ईडी ने पिछले साल नवंबर में AJL और यंग इंडियन के खिलाफ पीएमएलए के तहत अंतिम कुर्की के आदेश जारी करके संपत्तियों को कुर्क किया था। नेशनल हेराल्ड AJL द्वारा प्रकाशित किया जाता है कि इसका स्वामित्व यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के पास है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के सबसे बड़े शेयर धारक हैं और उनमें से प्रत्येक के पास 38% शेयर हैं। नेशनल हेराल्ड अखबार के मामलों की जांच में ईडी ने पिछले साल 20 नवंबर को अस्थायी रूप से 751 करोड़ 90 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त की थी और इसमें आरोप लगाया था कि AJL की सैकड़ों करोड़ की संपत्तियों को नियंत्रित यंग इंडियन के मालिकों को देने के लिए एक आपराधिक साजिश रची गई। पीएमएलए के तहत एक निर्णायक प्राधिकारी 180 दिनों के भीतर ये निर्धारित करता है कि ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल हैं या नहीं। नाम न जाहिर करने की शर्त पर ईडी के एक अधिकारी ने कहा कि कार्यवाही के दौरान प्राधिकरण ने ईडी और AJL YI दोनों के वकीलों को विस्तार से सुना और फिर अंतिम कुर्की पुष्टि करने वाले एक आदेश को पारित किया, जिसमें प्राधिकरण ने कहा कि कुर्क की गई संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। प्राधिकरण ने कहा कि ईडी ने अपराध की आय और कुर्क की गई संपत्तियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए पर्याप्त रिकॉर्ड पेश किए। प्राधिकरण ने पीएमएलए की धारा 24 के अनुसार अपराध की आय के स्रोत को साबित करने की जिम्मेदारी आरोपी की होती है कहा। पीएमएलए की धारा 24 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो अपराध की आय से प्राप्त किसी भी संपत्ति पर कानूनी अधिकार उस व्यक्ति का माना जाएगा और इसका मतलब यह है कि अभियोजन पक्ष जैसे ईडी को यह साबित करने की आवश्यकता नहीं कि संपत्ति अपराध की आय से प्राप्त हुई है और ये बोझ आरोपी पर होगा। ये साबित करें कि संपत्ति अपराध की आय से नहीं थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।